Thank you.
शुएब, गुड मॉर्निंग। शुएब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। टुडे आई हैव टू स्टार्ट एग्जांपल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यस सर। योर नाउ स्टूडेंट्स हैव कम आफ्टर फ्यू मिनट्स में मोस्ट प्रोबेबली अर्शद खान एंड you know two students Yunus and Sayyal and Jawad Yes, sir. Okay, I start the example now. He had been winning the match for 10 years. वो 10 सालों से मैच जीत रहा था या जीतता रहता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। How are you? I'm fine. जवाद, okay. Good morning. Okay, I started the examples of past perfect continuous tense. Everybody have to note it. Okay. She had been reading a book She had been reading a book since evening. वो शाम से किताब पढ़ रही थी या पढ़ती रहती थी। They had been watching the TV they had been watching the TV
for 3 hours. वो 3 घंटों से टीवी देख रहे थे या देखते रहते थे. लिख लिया सर. जी सर, जवाब भी लिख लिया. जी जवाब लिख रहे हैं. ओके सर, लिख लिया. यस सर, एक रहता है सर. इसका मतलब पता है ना आपको, तीनों का एग्जांपल्स का मतलब पता है ना आपको, मीनिंग. नंबर वन जो है वो, ही हैड बीन विनिंग द मैच फॉर 10 ईयर, फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से मैच जीता रहता था. यस सर. सेकंड, शी हैड बीन रीडिंग अ बुक सिंस इवनिंग, वो शाम से किताब पढ़ रही थी. They had been watching the TV for 3 hours. वो 3 घंटों से टीवी देख रहे थे. के बाद है नेक्स्ट. We had been writing a letter since 2019. हम 2019 से खत लिख रहे थे. आई हैड बीन वर्किंग in the office since 8 AM. मैं 8 बजे से दफ्तर में काम कर रहा था या करता रहता था. It had been raining. It had been raining for 3 days. 3 दिनों से बारिश हो रही थी, होती रहती थी. It had been raining for 3 days. ओके सर. यस, जवाब डन. लिख लिया सर. यस सर, लिख लिया दोनों ने. अच्छा, ओके. You had been shopping for 1 hour. तुम 1 घंटे से खरीदारी कर रहे थे. आप 1 घंटे से खरीदारी कर रहे थे. यू हैड बीन शॉपिंग फॉर 1 आवर.
1 hour. He had been listening the music he had been listening the music for half an hour. वो आधा घंटा से मुसीकी सुन रहा था. He had been listening the music for half an hour. Half an hour. Half an hour. वो आधा घंटा से मुसीकी सुन रहा था. He had been listening the music for half an hour. Sir, listening के spelling बोलें. इसके listening. Listening. Yes, sir. L-I-S. T-E-N-I-N-G. L-I-S-T-E-N-I-N-G. Listening. Okay. She had been been doing job. He had been doing job since 2010. वो 2010 से नौकरी कर रही थी या करती रहती थी. She had been doing job since 2010. I had been taking tea for 1 month. मैं एक महीने से चाय ले रहा था. I had been taking tea for 1 month. I have been taking tea for 1 month. सर ये नाइन्थ वाले में लास्ट में क्या है सर? कौन सा नंबर? नंबर कौन सा है? नाइन्थ सर. नाइन. She had been doing job since 2010. ओके सर. Since. ई को ले ई को मैं क्या कर देता हूँ. Since 2010. और ये ऊपर सर हाफ एन आवर है. कौन सा नंबर है? एट नंबर सर. एट नंबर पे ही हैड बीन लिसनिंग द म्यूजिक फॉर हाफ एन आवर. मैंने लिख लिया सर. ही हैड बीन लिसनिंग द म्यूजिक फॉर हाफ एन आवर. वो आधा घंटा से मुसीकी सुन रहा था या सुनता रहता था. ओके ओके सर. चलें आगे. ओके यस सर. 10 हो गए हैं. 10 के बाद अलेवन. दे हैड बीन waiting
they had been waiting since 4 p.m. वो चार बजे से इंतजार कर रहे थे. They had been waiting since 4 p.m. We had been going to Karachi for many years. हम कई सालों से कराची जा रहे थे. For many years. You had been taking the medicine for 1 week. तुम एक हफ्ता से दवा या दवाई ले रहे थे या आप एक हफ्ते से दवाई ले रहे थे. फॉर वन वीक ये जी आपका 13 एग्जांपल्स आपकी हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की. यस सर लिख लिए हैं. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की ये आपके सामने ये 13 एग्जांपल्स हैं. लिख लिए जी आपने दोनों में. यस सर ओके. इसको आपने होमवर्क जो करना है आप एग्जांपल क्रिएट कर लेंगे. वैसे दे हैड बीन वेटिंग सिंस 4 पीएम, आई हैड बीन वेटिंग सिंस 4 पीएम, शी हैड बीन वेटिंग सिंस 4 पीएम, ही हैड बीन वेटिंग सिंस 4 पीएम और यू हैड बीन वेटिंग सिंस 4 पीएम. ये सारे जो हैं एग्जांपल्स आप बनाएंगे और आप इसको 50 तक 60 तक लेके जा सकते हैं. ओके सवाई इट के इट बेजान चीज के लिए बारिश के लिए सिर्फ है. बाकी आप प्रोनाउन चेंज का एग्जांपल वही रखें. ओके ये प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी. ओके राइट. यस सर. फार्मूला आपको लिखवा दिया था मैंने. ओके सर. हां फार्मूला क्लियर था आपका. उसके मुताबिक ही सब कुछ है. ये आपका होमवर्क है. उनको भेज दीजिएगा यूनुस को और सियाल को. ठीक है उसको व्हाट्सएप कर देना है शुएब या ओके सर कर दूंगा या जवाब आप कर देना. हाँ कोई भी कर बल्कि दोनों ही कर देना कोई मसला नहीं है. ये ना कि आप दूसरों की गंदारी करते रहे तो दोनों ही कर देंगे मसला कोई नहीं. ठीक है सर. जी अब हमारा नेक्स्ट वोकैबुलरी की तरफ आ जाए. हम ज्यादा कर लेंगे आज. एक वर्ड है एट एनी कॉस्ट. एट एनी कॉस्ट COST एट एनी कॉस्ट कहते हैं कि हर सूरत में एट एनी कॉस्ट ये काम होना चाहिए. हर सूरत में ये काम होना चाहिए एट एनी कॉस्ट. और एक वर्ड होता है बाई ऑल मीन्स. बाई ऑल मीन्स का मतलब ये है हर सूरत में ये काम होना चाहिए. ये लिखवाया हुआ है सर पहले. हो गया था ये यकीन है आपको क्यों भाई. यस सर हो गया था भाई ऑल मींस हो गया था. हाँ इसको निकाल दें फिर कोई डबल नहीं होना चाहिए. बाय एट एनी कॉस्ट के बाद है एक वर्ड है सिंपलिसिटी सादगी. सिंपलिसिटी कहते हैं सादगी. जो इंसान सादा होता है आप कहते हैं इस बंदे में बड़ी सिंपलिसिटी है सादगी है. सिंप्लिसिटी
एक वर्ड है ड्रेसिंग, जिसे कहते हैं खुश लिबासी। अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, उसे कहते हैं इसकी ड्रेसिंग अच्छी है। आयरन कहते हैं इस्त्री, जब इस्त्री कपड़े इस्त्री करते हैं इस्त्री को कहते हैं आयरन। इसे मतलब होता है लोहा भी होता है, आयरन लोहा भी होता है, इस्त्री भी होता है आयरन। इसका एक वर्ड है कारपेंटर। कारपेंटर होता है लकड़ी का काम करने वाला, बड़े ही जो होता है लकड़ी का काम फर्नीचर बनाने वाला जो है उसे कहते हैं बढ़ई कहते हैं, या लकड़ी का काम करने वाला फर्नीचर बनाने वाला कहते हैं। लकड़ी का काम, चलो वो ठीक है, लकड़ी का काम करने वाला या फर्नीचर बनाने वाला। कारपेंटर यही आ रहा है सर जी। कारपेंटर CARPENTER इसकी सर उर्दू क्या है, इसके मायने बता दे सर, मायने कारपेंटर के उर्दू में। कारपेंटर के मायने है लकड़ी का फर्नीचर बनाने वाला, जो लकड़ी का फर्नीचर बनाता है ना जो, उसे कारपेंटर कहते हैं, जो सोफा बनाता है, कुर्सियां टेबल लकड़ी के जो बनाता है। ठीक है, लकड़ी का काम करने वाला, लकड़ी का फर्नीचर बनाने वाला, कुर्सियां टेबल बनाने वाला जो है उसे कहते हैं कारपेंटर। हो गया, बढ़ई भी कहते हैं उसको, बढ़ई। इस शोबे का नाम उर्दू में कहते हैं जी। एक वर्ड है सेवरेज, सेवरेज होता है गंदे पानी की निकासी का निजाम। गंदे पानी की निकासी, गंदा पानी निकल जाता है गटरों में जो है, गटर का जो गटर वगैरह होते हैं ना, वो पानी जो निकलता है गंदा पानी गटर वगैरह, इसे कहते हैं हम सेवरेज कहते हैं। गंदे पानी की निकासी का निजाम, जो पानी निकल जाता है गंदे, निकासी का निजाम सेवरेज। सेवरेज कहते हैं इसको, आपने देखा ही होगा कि अक्सर सुना ही होगा सेवरेज, गंदे पानी की निकासी का निजाम। चले आगे, वो टैप हो गया टैप TAP, वाटर टैप पानी के नल का। नहीं सर, वाटर टैप पानी का नल का। वाटर टैप पानी का नल का, टैप। फ्लो कहते हैं बहाव, जो पानी का बहाव होता है फ्लो कहते हैं, बहाव फ्लो। एक वर्ड है स्टिंग, स्टिंग एक वर्ड है STING, स्टिंग। स्टिंग कहते हैं डंग मारना, ये जो कोई भी होता है ना कीड़ा मकोड़ा जो है या सांप है वो स्टिंग डंग मारता है, स्टिंग। पॉइजन कहते हैं जहर, पॉइजन, पॉइजन है जहर।
जी और एक वर्ड है पॉइजनस, पॉइजनस कहते हैं जहरीला, जहरीला पॉइजनस, जहरीला। चले आगे। यस वो कहाँ चला गया, यस सर, वो किधर है अपना शुएब सर, शुएब नजर नहीं आ रहा। रिपेयर कहते हैं मरम्मत ओके करना, कोई चीज मरम्मत करना, रिपेयर रिपेयर कहते हैं मरम्मत करना। मेंटेन कहते हैं कायम रखना, मेंटेनेंस कहते हैं देखभाल, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कहते हैं देखभाल। लुक आफ्टर भी कहते हैं देखभाल, लुक आफ्टर भी है देखभाल। ग्लैंस एक वर्ड है, नजर डालना, किसी को सरसरी नजर डालना, नजर डालना, सरसरी जो नजर डालते हैं लोग, आम जो लोग की नजर पड़ जाती है, सरसरी एक दफा देखना बस, नजर डालना, ग्लैंस, GLANCE, ग्लैंस। ग्लैंस है डीपली, एक वर्ड है गहराई में, डीपली है गहराई में, डीपली डीपली। और नेचुरल है फितरी, नेचुरल फितरी या कुदरती, फितरी या कुदरती। कुदरती कितने कितने वर्ड हो गए आपके? मिनट लिख ले पहले। अठारह सर, 18, दो और कर ले 20 हो जाएंगे। ओके एक वर्ड है अगली, UGLY, अगली कहते हैं बदशकल, जिसकी शक्ल बुरी होती है, बुरी शक्ल बनाता है, अगली बदशकल, बदनुमा, अगली UGLY, अगली। और एक वर्ड है स्लोगन, स्लोगन कहते हैं नारा, स्लोगन कहते हैं नारा, स्लोगन SLOGAN, स्लोगन।
स्लोगन है नारा, ओके सर ये अच्छी है, वर्ड अभी देख लें, 20 वर्ड अभी करने हैं मुझे अपने, तीन तीन दफा करके मुझे भेजना है होमवर्क, शुभ को बता देना और बाकी साथियों को भी, ठीक है ना? ठीक है सर, उनको अपना यूनुस को व्हाट्सएप कर देना, जवाद और सयाल को भी है, ठीक है सर, वो भी मसला सिंगल का इशू ना हो वहाँ पे ना, वो गाँव गए हुए हैं ना, यस सर, तो आप उनको व्हाट्सएप कर देना, ये इसको अच्छी देख लो, पूछूंगा आपसे, जबानी पूछूंगा आपसे, इसको पढ़ लो एक दफा सारों को, पढ़ दें सर, रिपीट कर दें, शुरू से आप उर्दू बोलो ना, मैं इंग्लिश में बताता हूँ आपको, उर्दू से शुरू से शुरू करो, उर्दू बोलो, मैं चाहता हूँ हर सूरत में, एट एनी कॉस्ट, सादगी, क्या है सादगी, सादगी, सिंपलिसिटी, खुश लिबासी, ड्रेसिंग, स्त्री, आयरन, लोहा भी है, लकड़ी करने वाला, आगे लकड़ी का काम करने वाला, क्या करने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, बड़े यह कारपेंटर, गंदे पानी की निकासी के निजाम, सेवरेज, पानी का नलका, वाटर टैप, बहाव, फ्लो, डंग मारना, स्टिंग, जहर, जहर, पॉइजन, जहरीला, पॉइजनस, पॉइजनस, मरम्मत करना, हाँ जी मैंने बताया, तो ये देखे हुए यहाँ पे, मरम्मत करना है, रिपेयर, कायम करना, मेंटेन, देखभाल, मेंटेनेंस, लुक आफ्टर, देखभाल, लुक आफ्टर, नजर डालना, ग्लैंस, गहराई में, डीपली, फितरी या कुदरती, नेचुरल, बच्चे के लिए बदनुमा, अगली, नारा, स्लोगन, ओके ओके सर, ये आप इसको देख लिया, अभी मैंने पूछूंगा, अभी क्लास का सेशन जो है हमारे पास ये 40 मिनट्स का होता है, उसके बाद इसको फ्रेश करते हैं, लेकिन 40 मिनट के बाद ये क्लास आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि और स्टूडेंट नहीं है अभी, 10 मिनट हमारे पास हैं अभी, हो इसको आप अच्छी तरह कर लो, ताकि 40 मिनट का स्टूडेंट्स भी आप शार्ट हैं आज, तो क्लास वैसे ही खत्म होने जा रही है हमारी, 10 मिनट तक जो सेशन जैसे खत्म होगा तो क्लास खत्म हो जाएगी, ऐसी सिस्टम डिसकनेक्ट होगा, 10 फ्रेश की जरूरत नहीं है उसको, रिफ्रेश की जरूरत नहीं, फिर नई क्लास शुरू होनी है आगे मेरी 11 बजे,
कहाँ चले गए थे सर जी? सिग्नल चले गए, जीरो हो गए थे बिल्कुल। ओहो, ये बिल्कुल मैं लिखा दिए, इससे आपको मतलब कर देगा जवाब, ठीक है? ओके सर। हाँ, जवाब नंबर है ना आपके पास? यस सर। हाँ, वो ग्रुप में भेज देगा ना, ग्रुप में भेज देगा, सबको मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा, उसको भी, यूनुस को भी और उसको भी, सियाल को भी सेंड कर दे। हाँ भाई, शुरू करें अपना जवाब। यस सर। आपसे पहले पूछता हूँ मैं, बताएं, किताबों के नोटबुक बंद कर देना। ओके। ये है जी, अब प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, बदशकल बदनुमा, अगली सर, नारा सलागन स्लोगन, हर सूरत में, आप भी बता सकते हैं अपना शुएब, हर सूरत में, एट एनी, हाँ जबानी बताएं, एट एनी कॉस्ट सर, हर सूरत में, एक और भी है, बाय ऑल मींस मैं इसको बता रहा था अभी, जवाब को कभी मास सेशन खत्म, 40 मिनट का है ना सेशन, उसको फिर हम फ्रेश करते हैं ना सिस्टम को, एक दो मिनट ये क्लास में, इसी में खत्म हो जाएगी। yes, क्लास में खत्म हो गई है तो अभी जैसे ये सिस्टम होगा ना, डिस्कनेक्ट होगा तो क्लास खत्म हो जाएगी। ओके, 7-8 मिनट रह गए हैं, 6 मिनट बल्कि। yes, अच्छा, तो इसके बाद ये हमारे पास है, भाई ऑल मींस हो गया, हर सूरत में जी। yes, sir. पानी का नलका, वाटर टैप गहराई में डीपली जहर, पॉइजन जहर जी, पॉइजन जहर है, जहरीला पॉइजनस ओके, डंग मारना पॉइजनस, स्टिंग डंग मारना जी, लकड़ी का काम करने वाला, कारपेंटर यस, और इसके बाद और ही हमारे पास है जी, ये है स्त्री, आयरन और एक और लफ्ज़ है लोहा भी कहते हैं आयरन को, आयरन यस, सादगी ड्रेसिंग, सिंपलिसिटी जी, सिंपलिसिटी, नजर डालना ग्लैंस glance जी, गंदे पानी की निकासी का निजाम, सेवरेज ओके गुड, और इसके बाद खुश लिबासी ड्रेसिंग यस जी, और कोई वर्ड्स कौन से रह गए हैं जो मिसिंग हो गए? और सर बीस वर्ड हैं तो मैंने आज मैं 20 कराए, मैंने 20 कराए आज। यस सर।
मेंटेनेंस हाँ देखभाल देखभाल है मेंटेनेंस लुक आफ्टर भी है देखभाल मेंटेनेंस एंड लुक आफ्टर देखभाल सर अकेडमी खुल जाएगी क्या अकेडमी कब तक खुलेगी सर अकेडमी 24 को लगने हट रहा है 24 को 24 को खुल जाएगी लगने 24 तक है ना इस महीने कुछ कुछ दिन रह गए हैं बस अच्छा हाँ 13 दिन रह गए हैं हाँ ना सर ना आपको आपने भी होमवर्क नहीं भेजा भाई अपना जवाब सर अभी भेजिए आज भेज देना होमवर्क ठीक है आप कल का और आज का भी भेजना है अपना ये तो मुझे भेज रहा है शुभ तो भेज रहा है मुझे आपने भेजना है ठीक है ना ठीक है सर लाजमी भेजा करें आपके फायदा है इसमें आप लिखेंगे आपको याद होगा आपको टेस्ट भी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा टेस्ट हो जाएगा आपका टेस्ट लेना है मैंने आपका ठीक है यस सर हाँ ये बहुत ना आपका ही फायदा मेरा फायदा नहीं है इसमें मैंने अभी सुबह भेजा था सर क्लास लेने से पहले क्या कह रहे हैं क्लास लेने से पहले अभी भेजा था सर हाँ अच्छा अच्छा ठीक है चेक कर लूंगा मैं ओके ओके कोई क्लास शुरू होती फिर मैं चेक नहीं करता ना जाहिर तो सेलफोन सेट पे पड़ा होता है उसके साथ सिस्टम के साथ पड़ा होता है ना व्हाट्सएप से कनेक्ट हुआ होता है ना ये हाँ ओके जूम अच्छा और कोई सवाल कोई जवाब एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम सर जी इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट यस सर इम्प्लीमेंट होता है नाफिज करना राइज करना नाफिज करना राज करना इम्प्लीमेंट आई एम पी एल ई एम ई एन टी इम्प्लीमेंट ई के साथ हो या आई के साथ हो कल बताना यार कल लिखवा दूंगा ठीक है ना अभी छोड़ो ओके सर कल याद करना मुझे कल पहले ही बड़ी ही करेंगे हम ठीक है ओके और कोई सवाल जी बस मैं कल सेशन खत्म होने जा रहा है भाई ये भी इसका जो है सिस्टम अभी आप और मैं थोड़ा वजह डिस्कनेक्ट हो जाएगा ठीक है फिर बल्कि कल फिर मुलाकात होगी आपसे ओके ओके इंशाल्लाह शार्प जो है पूरे